जी ने अवतार किसके लिए लिया? भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, है ना? किसके लिए प्रकट हुए? कौशल्या के लिए। और जैसे ही विराट रूप में मां कौशल्या को दर्शन दिए, भगवान के दिव्य रूप को देख के माता ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, और जैसे प्रार्थना संपन्न हुई, दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कई विधि करहु अनंता। लेकिन जैसे प्रार्थना बंद हुई, कौशल्या ने भगवान से प्रश्न किया, बोले मैंने तो तुम्हें कभी बुलाया नहीं, कभी ध्यान नहीं लगाया, मैंने तो सुना जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंतराम कहीं आवत नाही, पर आप बिना बुलाए इतने दिव्य रूप के दर्शन मुझे किस स्वार्थ में दे रहे हो? भगवान ने कहा कश्यप अदिति महातप कीना ताको मैं पूर्व वर दीना ते दशरथ कौशल्या रूपा। पिछले जन्म में माता तो कश्यप अदिति के रूप में थी, एक कल्प में तू मनु शत्रुपा के रूप में तपस्या की थी नैमि सारण्य में। तूने वरदान मांगा था कि मैं तेरा बेटा बन के आऊंगा, सो आज मैं तेरा बेटा बन के आया हूं। जैसे भगवान ने कहा, माता कौशल्या ने इस अंगुली को उठा दिया। कौन सी अंगुली को? और ये अंगुली बड़ी खतरनाक है। जैसे अंगुली दिखाई, अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक कणकण में व्याप्त पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा थर थर कांपने लगे। भारत की नारी की सीधे हाथ की एक अंगुली देख के कौन घबरा गया? वो कणकण में व्याप्त परमात्मा थर थर कांपने लगा। बोले मैया ये अंगुली दिखा के क्यों डरा रही है? बोले सुन, तू अगर मेरा बेटा बन के आया है तो मेरी तू हंसी दुनिया में कराएगा क्या? ये तो अच्छा हुआ कैमरा नहीं, आज तक किसी भारत की नारी के यहां इतना बड़ा बेटा पैदा नहीं हुआ, तो मेरी हंसी हो जाएगी। भगवान थर थर कांपने लगे। बोले तो माता पर तुझे कैसा बेटा चाहिए? मैं वैसा ही बनने को तैयार हूं, पर तू ये अंगुली नीचे कर ले। तुलसी जी लिखते हैं कौशल्या जी ने फिर इस अंगुली का इशारा किया और भगवान को आदेश दिया कि जे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनु, है ना? कौशल्या ने क्या आदेश किया? कीजे सुलीला अति प्रिय शीला, मुझे वैसा ही बेटा चाहिए जो भारत की भूमि में एक गर्भवती माता 9 महीने के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो रोने रोता हुआ जब मां आवाज सुनती है तब प्रसन्न होती है, तो तुम भी वैसा ही रूप धारण करो। रामायण को पढ़ के देख लेना। सुन वचन सुजान रोदन ठान होई बाल के सुरभूपा, भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सुने वचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा, यह चरित जुगावै हरि पद पावै तेन परै भवभूपा। भये प्रगटे कृपाला बोलिए बोलिए दया कौशल्या